नमस्कार दोस्तों, तुहाडा बहुत स्वागत है जी एक बार फिर तो साडे YouTube चैनल दे विच। तां पहले दर्शको लेटेस्ट अपडेट लई प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब बटन ते जाके सबसक्राइब करो, लाइक बटन ते जाके लाइक कर दो, शेयर बटन ते जाके मेरी वीडियो नूं शेयर जरूर करो। तो जो तुहाडे लई मैं हुण दोस्तों नोटिफिकेशन लैके हाजिर होया जां पोस्ट लैके हाजिर होया जी, ये जिला परिषद मानसा की तरफों है। तो दोस्तों पूरी डिटेल च दसांगा ये पोस्ट कीड़ी है दोस्तों, किवें इसनूं अपलाई कर सकदांगा, कि पोस्ट आई है, कौन कौन ठीक है इसनूं अपलाई करदा, पूरी जानकारी दसांगा वीडियो नूं खीर तक देखो। तो अपने को जो नोटिफिकेशन आया जी है दफ्तर जिला परिषद मानसा, ठीक है। तो इन्हें तुम दोस्तों भर्ती इश्तहार अपने को जो आ चुके है, तो आप पूरा थोड़े डिटेल च पढ़ के दसागा। तो तुम देख सकते हो जिला मानसा के PSRL M स्कीम अधीन हेठ लिखिया असामियों की अर्जी ठेका के आधार उके बुके तनखाह से भर्ती की जानी है। तो जो ये भर्ती है जी तुम दस दिता मैं ठेके के आधार से, जिदा कि नोटिफिकेशन लिखा पाया इश्तहार दे सकते हो। तो हूँ इतने दोस्तों तुम चैक कर सकते हो कि असामी का ना आ गया जी, घट्टो घट योग्यता तनखाह की है, असामिया टोटल किनिया ने। तो हूँ आप गल करा जी जो कि असामी ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर की, तो ये की योग्यता चाहिए तुम देख सकते हो, तुहाडे सामने जो फ्लैश हो रही है जी तुम देख सकते हो। पोस्ट ग्रैजुएशन फस्ट डिवीजन के अपन चाहिए है जो, तो ठीक है नाल ही दोस्तों अपन की है 2 साल का ये सोशल वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए है। तो नॉलेज अपन के MS वर्ड के बारे चंकी तरह नॉलेज नहीं, पंजाबी लेवल के मैट्रिक पास होना जरूरी है, ये तुम चैक कर सकते हो। जो अपने एलिजिबिलिटी है जी ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर लिए होनी चाहिए कि हूँ गल कर रहे हैं कि पे स्केल घट्टो घट तो जो पे स्केल मिल रहा 25,000 प्रति महीना तो उक्का पुक्का तनखा इतने मिलनी है जी। असामिया की गल करिए टोटल एक असामी है। तो नैक्सट दोस्तों जो अपने को असामी आ जाती है जी ये तुम चैक कर सकते हो कलस्टर कोआर्डीनेटर की। तो इस जो गल कर सकते हैं दोस्तों तनखा रहनी है कि 18,000 पर मंथ, तो असामी की इतने टोटल एक असामी है। तो ग्रैजुएशन वाले कैंडीडेट अपलाई कर सकते हैं, नाल ही तुहाडे कोल इत्थे 1 ईयर एक्सपीरियंस सोशल वैलफेयर जो स्कीम का होना चाहिए जी। नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन तुहानू चंगी तरह जानकारी होनी चाहिए है कि जो मैट्रिक लेवल पर पंजाबी पासवर्ड होना थोड़ा चाहिए है। तुम सामने तुहाडे सामने एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी फ्लैश हो रही है तुम देख सकते होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी जो ब्लाक MIS मैनेजर की वैकेंसी है जी, इस लिए जो सैलरी की गल करिए जो कि 20,000 पर मंथ तुहानू सैलरी मिल जानी है। एक पोस्ट है जी, तो उस दे विच की है कि तुहानू एजुकेशन की है BCA MCA BIT और CS कमर्स, ठीक है। उस बाद ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन विद की है PGD से हाई लेवल दोस्तों, ये जो कि अपन एजुकेशन चाहिए कि इतने तुहानू इंग्लिश स्पीड भी हैगी, तुहाडी जो 30 वर्ड स्पीड इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज तुहाडी होनी चाहिए है कि तुहाडे कोल 3 साल का एक्सपीरियंस हैगा, तुसीं इस चीज़ नूं अपलाई करन दे योग होंगे। तो यह सी 3 पोस्टा जी, एलिजिबिलिटी सैलरी वगैरह तुहानू मैं दस चुके हैगा। तो हूँ कुछ इन्हां दी कंडीशनां ने जो शर्त ने जी तुहाडे नाल पढ़ के सांझे कर लैंदे हांगे। तो सब तो पहली शर्त जिहड़ी हैगी है, जेकर किसी उम्मीदवार ने BCA BSc IT तो बिना MCA की है तो इस केस में MCA ही नूं मुढ़ली योग्यता मन्निया जाएगा। तो तुसीं देख सकते हो जी इन्हां पोस्टां दी मैट 1 साल लई वैलिड है, पोस्टां दी जो मैट 1 साल लई वैलिड है जी। 1 साल के दौरान कोई भी असामी खाली होने के तैयार मैरिट विचों ही असामी भर ली जाएगी। ये नियुक्ति केवल ठेका आधार पर है, पंजाब का वसनीक होना चाहिए फस्ट जी, ये जरूरी इंपोर्टेंस है कि पंजाब का वसनीक ही इसको अपलाई कर सकता है। तो हर महीने पत्र के नाल 200 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट 200 लगेगा, जो वधीक डिप्टी कमिश्नर ये ड्राफ्ट का जो तुम कटवा लेना जी, वधीक डिप्टी कमिश्नर मानसा के नाम से कटवा लेना गा, तो नाम से होगा भेजना जरूरी है। यानी कि 200 रुपये की फीस कह सकते हैं आप, जो सरकारी फीस है तुम्हें उन्होंने ड्राफ्ट जी इन्हें कटवानी पेगी। सैकंड चलते हैं दोस्तों जो 6 नंबर पर अपन क्या शर्त आई है जी, विनय पत्र फार्म फार्म है जो दफ्तर जिला परिषद मानसा की वैबसाइट जो www.jilaparishadmansa.com तो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो विनय पत्र फार्म ने तुम जो मैं डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें घबराने वाली गल नहीं, उतो जाके ईजीली डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट कर ले सकते होंगे। तो उस तो बाद की है जी इस बाद जो इसकी लास्ट डेट दरखास्तों की जी मिती हैगी 6/6/2019 शाम को 5 बजे तक समेत दस्तावेजी सबूत की लोड़ी फीस शर्त है दफ्तर जिला परिषद मानसा विख दफ्ती जमा करवा जा सकते हैं। इस तो बाद कोई भी बेने पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, अधूरे बेने पत्र रद्द किए जाएंगे, ये तुम माड़ा देख लेना जी। तो MIS की असामी ली जाएगी, MIS की असामी ली टाइप टैसट है जो
9/6/2019 ਨੂੰ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਲਿਆ ਜਾਣਾਗਾ। ਉਤਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਟੈਕਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12/6/2019 ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ MIS ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 11 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਹੱਦ ਆ ਜੀ ਉਹ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PSRLM ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਆ ਜੀ 18 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ 13 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਸਾ ਤਰਫੋਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਕੀ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਪੱਤਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਮੂਸਿਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡੈਮੀਸਿਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵਿੱਦ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਉ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।